इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि अनुसूचित वर्ग की सूची में बदलाव का अधिकार सिर्फ संसद को है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी के 18 जातियों को अनुसूचित वर्ग की कैटेगरी में शामिल करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में जारी यूपी सरकार के सभी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन सभी नोटिफिकेशन के अमल होने से पहले ही रोक लगा रखी थी। आपको बता दें कि 2016 में अखिलेश यादव और 2019 में योगी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर यूपी में ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का फरमान सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित वर्ग की सूची में बदलाव का अधिकार सिर्फ देश की संसद को है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र या राज्य सरकारों को इस सूची में बदलाव का कोई अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। इससे पहले साल 2005 में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने भी 1.5 दर्जन जातियों को एससी की सूची में शामिल करने का फैसला किया था। हाईकोर्ट ने उस फैसले पर भी रोक लगा दी थी। गोरखपुर की संस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति ने 2 जनहित याचिकाएं दाखिल की थी।